उड़ीसा के ऊपर एक जगह पर नवरंगपुर में बारिश हुई है, दाबू गांव में 5.2 मिलीमीटर। उसके अलावा बाकी का तापमान का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है, जिसमें हाईएस्ट मैक्सिमम तापमान की बात करें बारीपद और झारसुगुड़ा में 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, भुवनेश्वर में 42.7 डिग्री सेल्सियस और कटक में 42.5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम तापमान दर्ज किया गया है। उसके अलावा भी झारसुगुड़ा में 44.2, जैसे मैंने बताया बोध और बुलांगीर में 43.7 और नवापाड़ा 43.6, चित्रागढ़ 43.2 और सोनपुर में भी इतना दर्ज हुआ। इसी तरह 10 जगह पर तापमान जो 43 डिग्री और 43 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। अब बात करें तो उड़ीसा में हॉट और ह्यूमिड वेदर कंडीशन जो बनी हुई है और अगले 1-2 दिन तक ज्यादातर जगह पर बने रहने के भी चांसेस हैं। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है। अगले 5 दिन के फोरकास्ट में 1-2 स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा और थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है, जिसमें डे वन में आज यानी कालाहांडी, रायगढ़, कोरापुट, नवरंगपुर, मलकानगिरी में 1-2 स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे वन में हीट वेव की भी येलो वार्निंग दी गई है, जिसमें मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, कटक, खुर्दा, बोध, सोनपुर, संबलपुर, बोलांगीर 8 जगह शामिल है जहां पर आइसोलेटेड प्लेस पे हीट वेव होने की संभावना है, इसलिए येलो वार्निंग दी गई है। इसी प्रकार 20 तारीख को भी हमारे 6 जगह पे मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, संबलपुर, सोनपुर, बोध डिस्ट्रिक्ट में हीट वेव आइसोलेटेड प्लेस में होने के लिए येलो वार्निंग दी गई है। डे 3 में थंडरस्टॉर्म आने की संभावना है, जिसके लिए आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म इज लाइटनिंग गंजम, कंधमाल, गजपति, रायगढ़, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में वार्निंग दी गई है येलो वार्निंग। डे 4 22 तारीख को जो है थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग की और गस्टी सरफेस विंड जो 30-40 kmph पहुंचने की संभावना है, जिसमें जो हमारे जैसे कोस्टल के कुछ डिस्ट्रिक्ट शामिल है और जाजपुर, कटक, खुर्दा, ढेंकनाल, अनुगुल, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी, खंडवा, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी। इसी प्रकार 23 को भी कोस्टल उड़ीसा के साथ में कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी में आइसोलेटेड प्लेस पे थंडरस्टॉर्म और विद लाइटनिंग होने की संभावना है। गस्टी सर्विस में 30-40 kmph दिए गई है। अब बात करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर की, तो मैक्सिमम टेम्परेचर में जो अगले 2 दिन तक ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है और ये उसके बाद अगले आने वाले 2-4 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे तापमान नीचे गिरने की संभावना है। मैक्सिमम टेम्परेचर अभी भी 40 डिग्री और 40 डिग्री के आसपास से ऊपर कई जगह बने रहने की संभावना है और ये 2-3 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल रहेंगे अगले 3 दिन तक। भुवनेश्वर की बात करें, भुवनेश्वर का तापमान 42 डिग्री के आसपास रहेगा और आज भुवनेश्वर में भी हीट वेव होने की संभावना है, हीट वेव वार्निंग दी गई है।